नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है नीरज मनवीकर, आप देख रहे हैं मेरा वेब न्यूज चैनल देहाती इन्फॉर्मर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18 फरवरी को संगम नगरी प्रयाग आ रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के आने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में प्रयागराज की सड़कें बैनर पोस्टर और होर्डिंग से पाट दी है। इनमें से एक पोस्टर खास चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को दिलवाला, जिगर वाला और हिम्मत वाला बताया गया है। इसके साथ ही उन्हें न्याय योद्धा भी बताया गया है। यह पोस्टर कांग्रेस पार्टी के प्रयागराज के प्रवक्ता हसीब अहमद की तरफ से लगाया गया है। हसीब अहमद का दावा है कि राहुल गांधी बड़े दिल वाले नेता हैं। वह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों का हाल चाल जानने उनकी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। वह हिम्मती हैं और तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ भी डट कर लड़ते हैं। राहुल गांधी जिगर वाले भी हैं, क्योंकि वह किसी से डरते नहीं है और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए वह जिगर वाले भी हैं। न्याय यात्रा की वजह से उन्हें न्याय योद्धा बताया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिलवाला, जिगर वाला और हिम्मत वाला बताने वाला यह पोस्टर सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया है। इसके साथ ही इसे शहर में जगह जगह लगाया भी गया है। इस पोस्टर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पोस्टर पर राहुल गांधी की कई तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में पार्टी के तमाम दूसरे नेता भी की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के स्वागत में तमाम अन्य पोस्टर पर होर्डिंग भी लगाई गई है। प्रयागराज में राहुल गांधी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई है। राहुल गांधी यहां बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे और साथ ही रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है। वह अगले दिन प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी के लिए रवाना होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्टियों द्वारा लिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी और साथ ही लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी भी मिल सकेगी। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बारे में मनमानी कर रही थी, वह लोगों से सब कुछ छिपाना चाहती थी। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों लगातार इसकी मांग कर रही थी कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हजारों रुपए की रकम इसी माध्यम से आई है। इस फैसले से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होने में भी मदद मिलेगी। वही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगमन की तैयारी की समीक्षा के लिए आए हुए हैं। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की धरती पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत होगा। राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद यूपी में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राजनीति के वित्त पोषण के लिए लाई गई चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसे लेकर प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता, संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। दोस्तों, ये रही तो कि पूरी अपडेट, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।